बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और कल का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट को आगे एक्सटेंड करेंगे। अब एक कहलाता है डिमॉर्गन्स लॉ। तो अब बेटा डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर आपको सिखाता डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ही यूज करते हैं, ठीक है। बेटा डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली देखिए क्या होता है। डिमॉर्गन्स लॉ होता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेटा आपको याद होगा जो कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट था, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता था यू माइनस ए। नहीं, अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट। और फिर इसी तरह आपको याद होगा जो बी कॉम्प्लीमेंट था यू माइनस बी, ठीक है। और इसी तरह बेटा जब ये यानी जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। और यूनिवर्सल सेट आपको याद होगा कि अगर हम तीन चार सेट की बात करते हैं तो उन तीन चार सेट के तमाम एलिमेंट्स एक सेट के अंदर मौजूद हों तो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब देखें ये तो आपको होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। इसी तरह देखिए क्या होता है कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको आपने यू में से माइनस करना है। तो डिमॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ के दो केसेस हैं। पहला केस तो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरा है, दूसरा लॉ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेटा ये दो हैं तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन लॉ क्या है। और अगर मेंशन हो कि ये आपने इस तरह प्रूफ करना तो फिर आपको ये दिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है वो बेसिकली डिमॉर्गन लॉ है, तो वो आपने खुद करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, ठीक है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और ये तीन सेट आपके पास, यूनिवर्सल सेट आपके पास यू है, एक्स साइज डेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 20। बट आपको याद होगा इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम पहले लेके आएंगे टेबलर फॉर्म में, ठीक है। तो टेबलर फॉर्म जब हम ये सॉल्यूशन करेंगे तब आपको बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो होल नंबर है और 0 से लेके 20 तक है। 0 आपको याद होगा कि होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद एक सेट सी आपके पास ये है, सेट सी आपके पास है एक्स साइज डेट एक्स बिलोंग्स टू ई, के आपको याद होगा इवन नंबर्स, ठीक है। ये मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 20। इवन नंबर्स आपको याद होगा वो तमाम नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है डिवाइड करने के बाद, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। और ये भी 0 से लेके 20 तक है, ठीक है, टेबल सेट बिल्डर फॉर्म में। और फिर एक सेट डी आपके पास है एक्स साइज डेट एक्स बिलोंग्स टू ओ, वो आपको याद होगा ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते। और ये भी आपके पास है एंड 1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 19 सॉरी। जो ऑड नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 19 तक, ठीक है। तो ये आपके पास तीन सेट है, यूनिवर्सल सेट है, सेट सी है, सेट डी है। डिमॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव करना है। अब हम यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। गिवन डेट
पहला यूनिवर्सल सेट अगर यू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड जीरो लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 20, यानी जो होल नंबर हैं वो वन से जीरो से बड़े हैं या बराबर हैं और 20 से छोटे या 20 के बराबर हैं। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में से हम ले आते हैं किसमें, टेबलर फॉर्म में। तो टेबलर फॉर्म देखिए, होल नंबर जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो वन टू थ्री अप टू 20। सेट ऑफ होल नंबर जीरो से लेके 20 तक, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद है कि आपको ऑल्सो जो सेट आपके पास सी है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड जीरो लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 20। इवन नंबर आपको याद होगा जो टू से एक्जैक्टली डिवाइड होते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से लेके 20 तक। इसे भी हम टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं, सी इज इक्वल टू देखें इवन नंबर आगे देखें जीरो टू फोर सिक्स एट और अप टू 20। पानी लेके आए। तो ये बेटा सेट ऑफ इवन नंबर जीरो से लेके 20। उसके बाद ऑल्सो सेट डी आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ एंड वन लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 9। तो बेटा ये सेट डी आपके पास है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स क्या होता है जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, ये 1 से लेके 19 तक है। इसे भी हम क्या लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 अप टू 19। अच्छा अब बेटा मैंने डी मॉर्गन्स लॉ क्या करना है, वेरीफाई करना है, वहां पे ना कुछ स्टेप्स पड़ी हुई बता देना। तो बेटा अभी हमें डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना, तो अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है, तो बेटा आप यहाँ देखें बेसिकली देखें वैसे तो क्या है आपके पास, यानी बेसिकली जैसे अगर सेट ए और बी हो तो ये होता है डी मॉर्गन लॉ का ना, पहला लॉ ये होता है ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि सेट सी और डी है, अब हम यहाँ इनको सी और डी लिखेंगे, ठीक है। तो सी और डी देखिए आपके पास देखें ये है कि सी यूनियन डी, सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, पहला ये है। और दूसरा सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। तो ये दो लॉ हैं, तो पहले हम यहाँ पहले लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग, पहले हम यहाँ लिखते हैं, पहले हम लोग पहले की लिखते हैं फोर सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पहले, ठीक है, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड अगर सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा देखिए, अब आपको याद होगा जो सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि वी नो दैट सी यूनियन डी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सी यूनियन डी। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी यूनियन डी। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब देखिए, पहले आपके पास देखिए सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस सी यूनियन डी। अब यूनिवर्सल सेट आपको याद है 0, 1, 2, 3 अप टू 20 सेट ऑफ होल नंबर। अब यहाँ पे हम डालते हैं माइनस का साइन, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए सी यूनियन डी, देखिए सी आपके पास देखिए सेट ऑफ इवन नंबर है 0 से लेकर 20, तो वो देखिए आपके पास है 0, 2, 4 अप टू 20। और यूनियन डी, डी सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, तो ऑड नंबर्स देखिए 1, 3, 5 और अप टू 19। और यहां पे आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ठीक है। देखिए तो यूनिवर्सल सेट 0 से लेकर 20, फिर सी आपके, सी यूनियन डी, सी आपका 0 से लेकर 20 तक सेट ऑफ इवन नंबर्स, और यूनियन डी सेट ऑफ ऑड नंबर 1 से लेकर 19 तक। तो बेटा अब आपको याद होगा कि यूनियन में तमाम नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं, तो देखिए ये 0, 1, 2, 3 अब ये 20 तो ऐसे ही आ गया माइनस। अब यूनियन में इनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है बेटा, तो देखिए इवन नंबर भी ऑड नंबर भी है, तो ये मिल के आपके पास आ जाएगा, देखें ये सेट ऑफ यूनिवर्सल आ जाएगा। देखिए ये आपको आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 20 का। अब बेटा आपको याद होगा कि यू माइनस सी यूनियन डी यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू के वो एलिमेंट जो सी यूनियन डी के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स यू के सी यूनियन डी के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का आपको याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो देखिए इसका बच्चे इसका आंसर देखेंगे आ जाएगा सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है बेटा, ये आपका इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये आपका आगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, तो हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, बेटा देखिए राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। बेटा देखिए आपको सी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और डी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो सी कॉम्प्लीमेंट आपको याद होगा सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस सी, और डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको याद है कि यू माइनस डी। तो हम लोग ये फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। बेटा देखिए सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है यू माइनस सी, ये आ गया, और इंटरसेक्शन
डी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस डी, ठीक है बेटा। तो सी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस सी, और डी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस डी, और बाद में इंटरसेक्शन ले लेना है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए बेटा यू आपके पास देखिए यूनिवर्सल सेट था 0 1 2 3 अप टू 12, माइनस सी, सी आपका सेट ऑफ इवन नंबर, और इवन नंबर आपको याद है देखिए 0 2 4 6 अप टू 20, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब दरम्यान में इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास यू माइनस डी है बेटा। देखिए यू तो आपके पास हो ही रहेगा, देखिए यू तो आपके पास है 0 1 2 3 अप टू 20, और माइनस डी आपके पास क्या है सेट ऑफ और नंबर्स 1 3 5 अप टू 19। अब बेटा यू माइनस सी, अब यू के एलिमेंट जो सी के अंदर मौजूद ना हो तो कौन कौन से, देखे देखिए 1 2 ये 0 से लेकर 20 तक है जबकि ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब कि और नंबर्स आ जाएंगे। वन यानी यू के एलिमेंट जो सी के अंदर मौजूद नहीं है, दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी, तो 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक। तो ये इंटरसेक्शन, अब यू के वो एलिमेंट जो डी के अंदर मौजूद नहीं है, देखिए यू 0 1 2 3 4 20 है और डी आपके पास और नंबर्स है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर आ जाएंगे 0 2 4 6 8 अप टू। अच्छा बेटा अब आपको याद होगा कि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हमेशा जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट कहलाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी नल सेट आ जाएगा। ठीक है, और ये अब चाहे तो आप यू 5 भी लिख सकते हैं, और 5 नल सेट को ये भी होता है। तो बेटा देखिए ये आपके पास आ गया है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये आपके पास आ गई है एफ हैंड साइड, ठीक है। तो बेटा देखिए जो ये आ गई राइट हैंड साइड, सॉरी बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी देखिए आपके पास नल सेट आया था, सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट में नल सेट आ रहा था, ठीक है। और ये भी सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट आगे नल सेट, तो देखिए ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम सकते हैं प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये डी मॉर्गन्स का पहला लॉ होता है, ठीक है। अब हम जो सेकंड लॉ पढ़ेंगे, देखें तो सेकंड लॉ आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। सेकंड लॉ देखें ये है कि सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप लोग खुद करेंगे, सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सी इंटरसेक्शन डी। यानी पहले आप सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे, उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे,
और राइट हैंड साइड वैसे ही है, यानी पहले आपने सी कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर डी कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट है इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट जो है ना कल हम लोग करेंगे 1.3, तो वो फिर इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने कंप्लीट करना, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।